वेलकम। पिछले व्याख्यान में हमने मेयरहोल्ड के संक्षिप्त परिचय और उनके रंगमंचीय जीवन पर चर्चा की थी। हमने उनके रंगमंचीय जीवन के महत्वपूर्ण यात्रा को और उनके प्रयोगों से परिचय प्राप्त किया था। मेयरहोल्ड के जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव और रूस की क्रांति के पहले की यात्रा को हमने समाप्त कर विराम दिया था। आज उसके आगे हम आरंभ करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस में जो रूस की क्रांति बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद 1917 के नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये क्रांति हुई थी, और नवंबर में आकर के जब सत्ता में बोल्शेविक आ गए थे तो उन्होंने 1917 के नवंबर में क्या किया कि जितने भी रूस में रंगशालाएं थी उन सभी रंगशालाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। थिएटर हाउस को अपने कंट्रोल में ले लिया, और कंट्रोल में लेने के बाद वहाँ बोल्शेविक के हिसाब से एक रंगमंच के नए अध्याय की शुरुआत होती है। तो वहाँ लूना चर्स्की नामक एक व्यक्ति हुए जिनको कि पीपुल्स कमिसार फॉर एडुकेशन एंड आर्ट बना दिया गया। लूना चर्स्की, मोटा मोटी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो उनको आर्ट एंड कल्चर एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर बनाया गया लूना चर्स्की को। और लूना चर्स्की पीपुल्स कमिसार फॉर एडुकेशन एंड आर्ट बनते ही सबसे पहला काम जो किया उन्होंने कि 120 प्रमुख व्यक्तियों को, आर्टिस्टों को, उन्होंने एक सेमिनार के लिए आमंत्रण भेजा। उस सेमिनार में उन्होंने विषय रखा था द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द आर्ट। इस सब्जेक्ट को के ऊपर उन्होंने सेमिनार रखा था और इसमें लोगों को आमंत्रण भेज दिया, लेकिन 120 में से सिर्फ 5 लोग ही उस सेमिनार में शामिल होने के लिए आए, जिसमें से 3 बड़े प्रमुख व्यक्ति थे। उनमें से एक मेयरहोल्ड थे और फिर उस समय के कवि और नाटककार ब्लॉक और मायकोवस्की भी थे। ये 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण थे जो उस सेमिनार में हिस्सा लिया। उसके बाद वैचारिक रूप से क्रांतिकारी तो थे ही मेयरहोल्ड, और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की सदस्यता ले ली 1918 में। फिर मेयरहोल्ड को थिएट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमिसरेट फॉर एजुकेशन के अंतर्गत, थिएट्रिकल डिपार्टमेंट एक शुरू किया गया था कमिसरेट फॉर एडुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत मेयरहोल्ड ने कोर्स की शुरुआत की और वो कोर्स शुरू हुआ पेट्रोगार्ड में। जब वो कोर्स शुरू हुआ तो इस कोर्स को जो नाम दिया गया था वो था कोर्स इन प्रोडक्शन टेक्निक, इसी नाम से इस कोर्स को शुरुआत किया गया था। इस कोर्स की शुरुआत की गई थी कोर्स इन प्रोडक्शन टेक्निक। यह अपने आप में पहला, अपने तरह का पहला कोर्स था, और यह कोर्स, इस कोर्स का डिप्यूटी हेड मेयरहोल्ड को बनाया गया। यह पहला बैच 1818 में जून से अगस्त, 2 महीने का इन्होंने रखा था, जून से अगस्त 1818 में इन्होंने संचालित किया पहला बैच, जिसमें 100 लोगों ने हिस्सेदारी की 14 वर्ष से लेकर के 53 वर्ष तक की, 100 की संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की। वैसे तो ये मेयरहोल्ड जो अपने
इंपीरियल थिएटर के जमाने में जो वो अपना कोर्स शुरू किया बायोमैकेनिक्स का, जो बीज बीजारोपण जिसकी हमने चर्चा पिछले क्लास में की है, तो वो बीजारोपण वाला जो दौर था उसमें जो कुछ भी ट्रेनिंग्स दी जाती थी उसमें से कुछ चीज़ों को तो उन्होंने इस ट्रेनिंग में, इस कोर्स में भी रखा था, जिसमें मूवमेंट और माइंड आदि था। लेकिन इस कोर्स की जो विशेष पहचान जिस वजह से थी, जिस वजह से इसे ये अलग दूसरे से था, वो जैसा कि इसके नाम में ही है, कोर्स इन प्रोडक्शन टेक्निक। तो इसमें उन क्या था कि उस प्रतिभागियों को थिएटर आर्ट्स में पॉलिटेक्निक एडुकेशन दिया जाता था। थिएटर आर्ट के अंतर्गत पॉलिटेक्निक एडुकेशन दी जाती थी और इस बात पर बहुत बल दिया जाता था कि नाट्य निर्देशक और अभिकल्पक, डायरेक्टर और डिजाइनर के बीच में किस तरह से एक सामंजस्य हो, एक विचारों का सही रूप से कैसे आदान प्रदान हो, कैसे एक कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग कैसे वो करें और इसकी आवश्यकता क्या है निर्देशक और अभिकल्पक, डायरेक्टर और डिजाइनर के बीच सहयोग की क्या आवश्यकता है, क्यों ऐसी होनी चाहिए। तो इस सारी तकनीक के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता था और यह एक महत्वपूर्ण कोर्स अपने समय में था। इसी क्रम में 1918 में मेयर होल्ड ने मायकोवस्की का नाटक मिस्ट्री बूफे की पहली प्रस्तुति की थी। जब इस मिस्ट्री बूफे की प्रस्तुति की योजना बनाई तो वहां के जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे, जो रियलिज्म किया करते थे, बेसिकली वो प्रोफेशनल आर्टिस्टों ने काम करने से मना कर दिया। तो फिर बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी वहां कुछ छात्रों को लेकर के ये नाटक के कास्ट पूरे किए गए और कई बार महत्वपूर्ण कास्ट को तीन तीन व्यक्ति किए, जिसमें खुद नाटककार मायकोवस्की जो थे उन्होंने ही खुद मिस्ट्री बूफे में तीन तीन रोल किया था। और इस तरह से प्रयोग किया गया, इस नाटक की प्रस्तुति हुई और प्रस्तुति की चर्चाएं भी हुई, खूब हुई। मई में 1919 के मई में मेयर होल्ड को काम के दबाव के कारण और शारीरिक बीमारी के कारण कुछ दिनों के लिए अपने काम को छोड़ना पड़ा। एक्चुअली उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी जिसे हम कहते हैं, टीबी की बीमारी हो गई थी और उस समय टीबी की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। तो ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए उन्हें पेट्रोग्राद छोड़ना पड़ा था। पेट्रोग्राद छोड़ करके उन्हें याल्टा के सुदूर क्षेत्र में जाना पड़ा और वहां इलाज के लिए उन्हें रहना पड़ा था। याल्टा के सुदूर क्षेत्र में नोवोरोसिस्क एक जगह है, नोवोरोसिस्क वहां जाकर के वो रह रहे थे। तो वो समुद्र के किनारे पड़ता है नोवोरोसिस्क, वहां व्हाइट आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया। ये व्हाइट आर्मी और रेड आर्मी जो है, ये जो बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति को जानते समझते हैं, पढ़े हैं, उनको ये पता होगा कि रेड आर्मी कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट जो आर्मी थी वो व्हाइट आर्मी थी। तो दोनों के बीच में लगातार 3-4 वर्षों तक वो एक चल रहा था। तो उन अगस्त वहां आकर के नोवोरोसिस्क में आकर के व्हाइट आर्मी ने कब्जा कर लिया था। वो समुद्र के किनारे पड़ता था इसलिए समुद्री इलाके से आकर के व्हाइट आर्मी ने उस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहीं मेयर होल्ड थे
और इस तरह की जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो जो व्यक्ति कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा। इसी क्रम में मेयरहोल्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा कथित रूप से क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने के आरोप में 4 महीने तक वे कैद में रहे और बस मृत्यु दंड पाते पाते वो बचे। समझिए कि वो मरते मरते ही बचे थे। फिर 4 महीने के बाद जब वो पैरोल पर बाहर निकले तब तक रेड आर्मी उस इलाके पर कब्जा जमा लिया था। फिर 1919 में ही इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस का मंचन वही नोवोरोसिस्क में ही मेयरहोल्ड ने करना शुरू किया। वो रेड आर्मी के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने किया और वहां जाकर के वो लगातार राजनीति और रंगमंच पर बातें करते थे और इसी दरमियान उन्होंने डॉल्स हाउस की प्रस्तुति वहां 1919 में ही की इब्सन के नाटक का नोवोरोसिस्क में। इसके जल्द बाद ही लुनाचर्स्की ने मेयरहोल्ड को मॉस्को बुला लिया और बुला करके उनको सोवियत रिपब्लिक के थिएट्रिकल डिपार्टमेंट का प्रमुख घोषित कर दिया। मेयरहोल्ड एक नाटक करते हैं जिसका नाम है द डॉन। इस नाटक को अक्टूबर क्रांति के तीसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर किया गया था नवंबर के 9 नवंबर शायद उसका डेट हुआ करता था। तो उसके वर्षगांठ पर वो करते हैं। ये जो द डॉन नाटक है वो एक बेल्जियम नाटककार क्या नाम है वेरहेरन बेल्जियम कवि हैं वेरहेरन कवि नाटककार वेरहेरन की लिखी हुई कृति है द डॉन। और इसको इसकी प्रस्तुति के लिए एक जगह चुना गया, एक ऐसी जगह जो ऑडिटोरियम जो चुना गया वो ऑडिटोरियम परित्यक्त था, मतलब उस ऑडिटोरियम को छोड़ दिया गया था। और रूस में ठंड बहुत होती है तो ऑडिटोरियम को गर्म भी होने की जरूरत होती है, लेकिन बिना गर्म ही हुआ ऑडिटोरियम। यहाँ तक कि उसके जो प्लास्टर्स थे दीवार के वो भी झड़े पड़े थे। और इस जगह का नाम था सोन थिएटर और प्लास्टर उखड़े थे, सीटें टूटी हुई थी। कुल मिलाकर के वो अब थिएटर हॉल के बजाय एक मीटिंग हॉल जैसा बनकर रह गया था। और उसी जगह को मेयरहोल्ड ने चुना क्योंकि वो जो मिस्टर डॉन करना चाहते थे, मिस्टर डॉन के लिए जो वो एनवायरनमेंट कंसीव किया था, जो वातावरण वो अपने भीतर महसूस किया था, वो उसके बहुत करीब था, उस सोन थिएटर के वातावरण से बहुत करीब था। और इसीलिए उसी हॉल को उन्होंने प्रस्तुति के लिए चुना। ये पूरा जो नाटक था वो एक पॉलिटिकल मीटिंग राजनीतिक बैठक के रूप में परिकल्पित किया गया था और उस नाटक में उसी तरीके से चीजें थी। दर्शकों को फ्री में एंट्री मिल रही थी और जब दर्शक अंदर आता है तो दीवारों पर उत्साहवर्धक घोषणा पत्र लगे हैं, इश्तहार लगे हैं और प्रस्तुति की जब मध्यांतर होती है तो ऊपर से पर्चों की बारिश होती है। और इस तरह से नाटक होता है जो कम्युनिस्टों को लेकर के ही कि भविष्य की किस तरह की योजनाएं, किस तरह के हो चीजें घटित हो सकती है, उन सारे विचारों को लेकर के ये नाटक प्रस्तुत किया गया था। तो कम्युनिस्ट आलोचकों ने जब इस नाटक की प्रस्तुति देखी थी तो उन्होंने स्वयं को शर्मिंदा बताया क्योंकि स्वयंभू लोगों की मनमानी का इसमें खुलासा किया गया था कि स्वयंभू लोग जो हैं खुद को घोषित जो कर रखे हैं वो किस तरीके से अपनी मनमानी कर सकते हैं, इसकी खुलासा किया गया था। यहां तक कि लेनिन की पत्नी जो पूरे के पूरे बोल्शेविक क्रांति के
अगुआ मार्क्सवादी विचारधारा को जो जमीन पर लाने वाले उसे सिद्धांत से प्रयोग के रूप में आजमाने वाले स्थापित करने वाले लेनिन के की पत्नी भी इस नाटक को देखने गई थी और देखने के बाद उन्होंने भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ये नाटक जो है रूसी प्रोलेटेरियन का अपमान किया है और भी कई बातें कही थी। तो खैर, लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी भारी संख्या में मजदूर और लाल सेना की जो आर्मी थी वो इस नाटक को देखने आई थी और 100 हाउसफुल शोज इस नाटक के हुए थे उसी ऑडिटोरियम में। इन सब के बावजूद भी इसी तरह 1921 के मई दिवस पर पुनः मेयर होल्ड ने मायकोवस्की के लिखित नाटक मिस्ट्री बुफे का फिर से मंचन किया जो वो पहले कर चुके थे। तो मिस्ट्री बुफे का मंचन करते वक्त इस बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका पुनर्लेखन करवाया और फिर से उसकी प्रस्तुति की। यह नाटक जो है RSFSR के थिएटर नंबर 1 से किया गया था और इसके पहले 1921 के फरवरी में मेयर होल्ट ने थिएट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1921 में थिएट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर 1921 के मई दिवस पर उन्होंने मायकोवस्की का नाटक मिस्ट्री बुफे करते हैं पुनः लिखवा करके और ये करते हैं RSFSR के थिएटर नंबर 1 से। अब जून के 1921 के जून में इस आरोप के साथ कि थिएटर नंबर 1 जो है ये पैसे की बर्बादी है और इस नाम पर RSFSR को बंद कर दिया गया। उस स्टूडियो थिएटर नंबर 1 को बंद कर दिया गया। लेकिन लुनाचर्स्की ने बीच में पढ़ के थैंक्स टू लुनाचर्स्की कि उनके प्रयास से किसी तरह एक और नाटक थिएटर 1 से हो पाया, अगस्त तक मंचित किया जा सका, जो इब्सन का नाटक था लीग ऑफ यूथ। और उसके बाद 6 सितंबर 1921 को थिएटर बंद कर दिया गया और पहला बोल्शेविक निर्देशक रूस का पहला बोल्शेविक निर्देशक बेरोजगार हो गया। इस मुश्किल घड़ी में मेयर होल्ट को अपने प्रतिपादित सिद्धांत बायोमैकेनिक्स को पब्लिक के सामने सार्वजनिक करने की इच्छा हुई और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने स्टेट डायरेक्टर्स वर्कशॉप आयोजित किया जिसे बाद में JVYTM के नाम से जाना गया और 1922 में उन्होंने बायोमैकेनिक्स का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। इस तरह का जो वर्कशॉप उन्होंने शुरू किया, इसी वर्कशॉप में उस समय के और पूरे दुनिया के फिल्म के इतिहास में बड़े नाम सर्गेई आइजेनस्टाइन जैसे रूसी फिल्म निर्देशक जो हैं, ये ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं उस समय उस वर्कशॉप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए थे और सर्गेई आइजेनस्टाइन को मेयर होल्ट के बड़े करीबी के रूप में देखा जाता है और उनके फिल्मों और उनके कामों पर मेयर होल्ट के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उनके कामों के माध्यम से। तो इस तरह से वो प्रशिक्षण चल रहा था और 1922
24 के पहले पहले मेयर होल्ट खुद को GITIS से अलग कर लिया और अपना वर्कशॉप स्टेट एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप के नाम से शुरू कर दिया। उन्होंने स्वयं अपना काम करना शुरू किया। इन प्रशिक्षणों के बीच में मेयर होल्ट ने 1922 में द मैग्नानिज्म कुकोल्ड का मंचन किया। मैग्नानिज्म कुकोल्ड बेल्जियम नाटककार का फर्नांड क्रॉमलिंक द्वारा लिखा हुआ नाटक था मैग्नानिज्म कुकोल्ड, और इसका मंचन किया। और इसी के साथ इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म सेट के तौर पर प्रयोग हुआ था। कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए यह नाटक बड़ी प्रमुखता से जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे के व्याख्यानमाला में लेक्चर में चर्चा करेंगे जब मेयर होल्ट के कामों को सिद्धांतों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म और बायोमैकेनिक्स को जब पढ़ रहे होंगे, बायोमैकेनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को, तो उसमें हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे द मैग्नानिज्म कुकोल्ड के ऊपर। 1923 में द अर्थ इन टर्मोइल ये नाटक इन्होंने किया सर्गेई ट्रीटीकॉव का ये नाटक था, और इसको इन्होंने 1923 में प्रदर्शित किया। 1926 में इनका बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध नाटक द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, जिसको इंस्पेक्टर जनरल के नाम से भी जानते हैं, गोगोल के नाटक की प्रस्तुति की गई, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। इसके बारे में भी हम लोग आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो 26 में ये, 1929 में मेयर होल्ड द बेड बग मायकोवस्की का नाटक द बेड बग इसकी प्रस्तुति की। 1930 में द बाथ हाउस इसकी प्रस्तुति की। 31 में द लास्ट डिवाइस द लास्ट डिसाइसिव इस नाटक की प्रस्तुति की। 1931 में ही एक और नाटक करते हैं A List of Benefits, और 1934 में द लेडी ऑफ द कामेलियाज इसकी प्रस्तुति करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ मेयर होल्ट के द्वारा जो किए गए कुछ प्रमुख नाटक थे, इन नाटकों को समय देखने की, उनके नाम को जानने की कोशिश की, उसके ऊपर अलग से चर्चा की आवश्यकता हो सकती है। और मोटा मोटी हम ये समझ लें कि वो लगातार जो उनकी सक्रियता थी उसको जानने की कोशिश की। वो रंगमंचीय जीवन में बोल्शेविक दुनिया के सहयोग के बिना भी लगातार सक्रिय रह रहे थे। 1930 में मेयर होल्ट के 4 नाटक बर्लिन और पेरिस में मंचित हुए थे। उस समय तक उनकी लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश के बाहर और दुनिया में किस तरह से लोकप्रिय हो रहे थे। लेकिन 1934 आते आते मेयर होल्ट को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा और जूझना पड़ा द रशियन एसोसिएशन ऑफ प्रोलेटेरियन राइटर्स द रशियन एसोसिएशन ऑफ प्रोलेटेरियन राइटर्स जो थी, जो मतलब कहा जाए कि रशिया के लेखकों, प्रगतिशील लेखकों का जो संघ था, उसने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये व्यक्ति जो है ये द्विआयामी है, ये 3-dimensional नहीं है, 2-dimensional है, और ये मशीनी है। और इसके मेयर होल्ट के बारे में ये कहा कि इनके नाटकों में सामाजिक लगाव नहीं है, और ये
इनके नाटक जो है रूस के नाटकों में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा अलग होते हैं, तो इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे मेयरहोल्ड के ऊपर। और बाद में मेयरहोल्ड से पूछताछ भी शुरू हो गई। पूछताछ के दरमियान मेयरहोल्ड को यह अनुभव हुआ कि बायोमैकेनिक्स का जो प्रशिक्षण है और उसकी जो धार प्रभाव है, इस प्रभाव को किसी तरह दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रभाव को आगे बढ़ने देने का प्रयास, आगे बढ़ने नहीं देना चाहा जा रहा है। खैर, 1938 आते आते यह प्रस्ताव लाया गया कि मेयरहोल्ड के रंगमंच को बंद कर दिया जाए, और जिस तरह की भी आर्थिक सहायता थोड़ी बहुत मिलती है यह सब समाप्त कर दिया जाए। 21 जून 1938 को मेयरहोल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी पत्नी जनेदा राइख, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, कि 14 जुलाई 1938 की रात में निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिनेदा राइख ने बिना मेयरहोल्ड के इजाजत के ही स्टालिन से सहायता मांगी थी, और सहायता के बदले 14 जुलाई के रात में उनकी हत्या कर दी। निर्मम हत्या की जाती है, सीधा हत्या नहीं, निर्मम हत्या की जाती है। और मेयरहोल्ड पर ब्रिटिश और जापानी जासूस होने का आरोप लगाया जाता है। लगातार उनके साथ मारपीट और पूछताछ, यातनाएं, सवाल जवाब चलती रहती है। ये प्रक्रिया 7 महीने तक चलते रहते हैं, और जबरन उनसे ये कबूल करवा लिया जाता है कि वो जापान और ब्रिटिश के लिए जासूसी किया करते थे। और अंततः 1 फरवरी 1940 को मेयरहोल्ड को मौत की सजा सुना दी जाती है, और 2 फरवरी के दिन मिलिट्री कॉलेजियम के किसी तहखाने में गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके लाश को जला करके और फिर बहुत सारे मजदूरों के लाश के साथ एक अनाम कब्र में दफना दिया जाता है। मेयरहोल्ड के नाम से जितने भी थिएटर थे उन सारे थिएटर को बंद कर दिए गए और ओपेरा सब हटा दिए गए। रूसी रंगमंच से मेयरहोल्ड के नाम को मिटा दिया जाता है। जब तक कि 1955 में मेयरहोल्ड के कामों को पुनः स्थापित नहीं किया गया, तब तक स्टालिन शासन में जो 1940 के 2 फरवरी को जो निर्मम हत्या हुई और उनके नामों को, उनके काम को रूस के रंगमंच से साफ कर देने की कोशिश की गई, ली स्टार्स वर्क के शब्दों में अगर कहें तो रंगमंच के इतिहास के महानतम निर्देशक, रंगमंच के इतिहास के महानतम निर्देशक का कभी अस्तित्व था इसका किसी को पता तक नहीं था। 1955 तक, जब तक कि पुनः मेयरहोल्ड के ऊपर काम होना शुरू नहीं हो गया, तब तक रूस में और दुनिया के किसी महान निर्देशक का अस्तित्व भी था मेयरहोल्ड के नाम से इसका पता भी नहीं था। खैर, 1991 में उस बेनाम कब्र को खोज लिया जाता है जिसमें सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से इन्हें दफनाया गया था, और उस पर एक पत्थर लगा दिया जाता है जिस पर लिखा था सांझी कब्र संख्या 1। पर
फंसे वो लोड मेयर होल्ड, जन्म 1874, मृत्यु 1942। आज हम यही लेक्चर समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में हम जानने की कोशिश करेंगे मेयर होल्ड के, जो मेयर होल्ड ने जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन सिद्धांतों के संबंध में और उनके अन्य कार्यों के संबंध में। धन्यवाद।